जय मसीह के दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रभु के एक महान सेवक डेविड लिविंगस्टोन के बारे में। डेविड लिविंगस्टोन का जन्म 19 मार्च 1813 में स्कॉटलैंड में हुआ। उनके पिता नील लिविंगस्टोन और माता एग्नेस के सातों बच्चों में वे दूसरे थे। उसके माता पिता अच्छे ईसाई थे। वे स्कॉटलैंड में रहते थे और बहुत ही गरीब थे। डेविड बचपन से ही बुद्धिमान और बहुत परिश्रमी भी थे। 9 साल की उम्र में उसने भजन संहिता 119 पूरी तरह याद कर लिया था। गरीबी के कारण वह स्कूल नहीं जा सके। 10 साल की उम्र में वह कपड़े की मिल में काम करने लगा। इसके सहारे वह गर्मी के मौसम में काम करके सर्दी के मौसम में ग्लासगो विश्वविद्यालय में ग्रीक भाषा और डॉक्टरी सीख सका। बहुत परिश्रमशील होने के कारण उन्होंने पढ़ाई और काम दोनों ही क्षेत्रों में अपनी कुशलता दिखाई। डेविड जब 20 साल का था, उसने यीशु को अपना रक्षक माना, जो उसके जीवन को बदल देने वाला निर्णय सिद्ध हुआ। उसने जाना कि परमेश्वर की इच्छा थी कि वह विदेश में सुसमाचारक हो जाए। उसे जर्मनी के एक सुसमाचारक से एक खबर मिली कि चीन में सुसमाचारकों की बड़ी जरूरत है, परंतु उस समय वह प्रयत्न सफल नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर का इरादा उनके लिए कुछ और था। इसके बाद रॉबर्ट मोफट नामक एक सुसमाचारक अफ्रीका से लंदन आया और डेविड से बातें की। उसने कहा, डेविड, मैंने ऐसे हजार गांव देखे हैं जहां के लोग या नहीं जानते कि यीशु कौन है और जिन्हें इस संसार में कोई आशा नहीं। इन बातों का ऐसा तीव्र प्रभाव डेविड के मन पर पड़ा कि उसने अफ्रीका में यीशु के प्रचार का काम शुरू करने का निश्चय किया। वह अफ्रीका गया। वह दक्षिण अफ्रीका के कैप टाउन में पहुंचा और उधर से बैलगाड़ी में 1080 किलोमीटर की यात्रा की और कुरुमान पहुंचा, जहां उसका दोस्त रॉबर्ट मोफट रहता था। उधर रहते समय उसे उस सत्य का पूरी तरह ज्ञान हुआ कि अफ्रीका के उन प्रदेशों में यीशु का सुसमाचार सुनाने की कितनी बड़ी जरूरत है। लोग पूरी तरह से खोए हुए थे। उनको रक्षक की बड़ी आवश्यकता थी। मोबोट्सा नामक स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। डेविड ने उस स्थान में 3 साल के लिए रहने का निश्चय किया। 1845 में अफ्रीका के कुरमान स्थान पर उसने मेरी मोफट से शादी की और दोनों ने मिलकर यीशु की सेवा की। मोबोट्सा की एक बड़ी समस्या थी सिंहों का गांव में घुसना और लोगों तथा जानवरों को मारकर गांव में आतंक पैदा करना। मोबोट्सा के लोगों ने डेविड से प्रार्थना की कि वे किसी तरह सिंहों को भगाने में उनकी मदद करें। तो एक दिन दूसरों के साथ डेविड लिविंगस्टोन ने सिंह को मारने का निश्चय किया। सिंह के शिकार के लिए सब तैयारियां की गई। वन में उन्होंने एक सिंह देखा। बहुत सावधानी से डेविड ने सिंह पर चुपचाप निशाना लगाया और उसने गोली दबाई ही थी कि बहुत खुहुआ सिंह ने गुस्से में और गोली लगने की पीड़ा में डेविड पर आक्रमण किया और उसके कंधे को फाड़ डाला। दूसरे जनों ने उसे मार डाला, परंतु डेविड के कंधे पर गहरी चोट लगी हुई थी। लोगों ने डेविड को पहले से भी अधिक
आदर और प्रशंसा से उसे देखा। इसलिए सुसमाचार के उसके वचनों को और दिलचस्पी से सुनने लगे। इससे अफ्रीका के कई लोगों ने यीशु को अपना रक्षक स्वीकार किया। सब लोग आनंदित हुए। जैसा कि हम जानते हैं कि अफ्रीका में पानी की कमी बहुत तीव्र होती है, इसलिए पानी के अभाव में डेविड और उसके साथियों को पानी की खोज में उत्तरी भाग की ओर जाना पड़ा। इसके लिए उन्हें 480 मील की मरुभूमि पार करनी थी। कई दिनों तक उन्हें चिलचिलाती धूप में चलना पड़ता था। चारों ओर रेत से घिरे हुए वे आगे बढ़े और अफ्रीका के मध्य भाग पर जाम्बेजी नदी देखी, परंतु वे वहां रहकर काम नहीं कर सके क्योंकि उस जगह बहुत खतरनाक और मारक बुखार चल रहा था। डेविड को यह यात्रा आनंद जैसी दिखाई दे रही थी, इसलिए डेविड ने अपनी पत्नी और बच्चों को इंग्लैंड वापस भेज दिया, क्योंकि यात्रा बहुत कठिन और थकाने वाली थी। अकेले ही वह अफ्रीका के जंगलों में घुस गया। हम परीक्षाओं के समय कैसा व्यवहार करते हैं? क्या हमें भी डेविड लिविंगस्टोन के समान प्रबल विश्वास और समर्पण का भाव है? उसका स्थिर आत्मसमर्पण हमारे लिए दृष्टांत है। बुराई में फंसकर खोए हुए लोगों के प्रति डेविड ने स्नेह और दयापूर्ण व्यवहार से उसके कई मित्र बने। उसने उन्हें यीशु के द्वारा रक्षा का मार्ग बता दिया और जब तक वह उनके साथ रहा, उनकी चिकित्सा भी की। डेविड को अफ्रीका का गुलाम व्यापार बहुत भयानक लगा। वहां स्त्री, पुरुष और बच्चे पकड़कर गुलाम बनाए और बेचे जाते थे। जब तुम अफ्रीका में यात्रा करते हो, तब इन गुलामों की हड्डियां रास्ते में पा सकते हो। बीमार और घायल लोग मरने को छोड़े जाते थे। डेविड को यह व्यवहार बहुत कठोर और भयानक मालूम पड़ा। इस बुराई को उस देश से उसने दूर करने का निश्चय किया। अफ्रीका की जंगली जातियों को यीशु का सुसमाचार सुनाने को डेविड ने सब तरह के शारीरिक कष्ट सहे। वह 31 बार बुखार से पीड़ित हुआ। कुछ लोगों ने कुछ गांवों में उसको खाना बेचना भी मना किया। उसने बाइबल घंटों तक पढ़ी, जिसमें से उसकी आत्मा को स्फूर्तिदायक शक्ति मिली। वे हमेशा आगे बढ़ने को तैयार रहे। उन्हें सब जगह प्रशंसा सूचक बधाइयां मिली। कई वर्षों के सेवा कार्य के लिए परमेश्वर ही उन्हें प्रतिष्ठा दे रहा था। डेविड फिर एक बार अफ्रीका में आए। इस बार वे सरकारी अफसर के रूप में अफ्रीका गए हुए थे। उन्हें अपने अन्वेषण जारी करने और मिशन के परावर्तन में लाने की पूरी स्वतंत्रता थी। उनके साथ कई सहायक अफसर भी थे। कई बार उनकी जान लेने को उन पर आक्रमण भी किए गए, परंतु परमेश्वर ने उन्हें उन सब से बचाया। अब वे 60 साल के हुए जब वे सफर पर थे। उनके सारे सामान लूटे जाते थे, दवाइयां लूटी जाती थी, चिट्ठी पत्रियों का नाश किया जाता था। ऐसी कठिनाइयां इतने बेहद रूप में बढ़ गई कि यह भी माना गया कि वे मर गए हैं।
न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक अखबार वालों ने इस प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में सुना और उन्हें ढूंढने को बहुत सी दवाइयां और अन्य जरूरी सामानों के साथ एक रिपोर्टर संवाददाता को भेजा। कई महीनों की खोज के बाद उसने डेविड लिविंगस्टोन को पाया। उन्हें दवाइयां दी जिनसे उन्हें फिर शक्ति मिली। हेनरी स्टैनली नामक रिपोर्टर ने डेविड लिविंगस्टोन से याचना की, इंग्लैंड वापस आइए, आपकी तबीयत सुधर जाएगी, आपको सुख सुविधा मिलेगा। पर डेविड ने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं लौट सकता, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। डेविड लिविंगस्टोन का प्रभाव हेनरी स्टैनली पर इतना प्रबल था कि निरीश्वरवादी होकर आया था, वह यीशु पर विश्वासी होकर लौटा। डेविड लिविंगस्टोन का जीवन दीप बुझ गया और वे 1 मई 1873 में प्रभु में सो गए। उनका काम पूरा हुआ। अफ्रीका के लड़कों ने उन्हें उनकी कुटिया पर मरे हुए पाया। बिस्तर के पास घुटने टेक कर प्रार्थना में लीन होते समय उनकी मृत्यु हुई। अफ्रीका के लोगों ने उनके हृदय को अफ्रीका में दफनाया और उनकी देह इंग्लैंड भेजी गई, जहां वे वेस्ट मिनिसिटर एबे में वह दफनाई गई, जहां प्रसिद्ध व्यक्ति दफनाए जाते थे। कितना महान था उनका जीवन। उनका जीवन और उनकी गवाही ने अनगिनत लोगों को प्रभावित किया। परमेश्वर हम सभी को भी उसके जैसा बना सकता है, यानी यीशु से प्रेम करने वाले और यीशु का सुसमाचार देने वाले होकर। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें डेविड जैसा होने का अनुग्रह दे। आप सबों का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अपने सुझाव भी दें।